डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 7 नवंबर 2018। शुरुआत में ही मैं आप सबको एक बहुत ही शुभ, बहुत ही सुरक्षित और आनंदमय दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। आप स्वस्थ रहें, आपका साल बहुत अच्छा जाए, लक्ष्मी जी के साथ साथ सरस्वती जी की भी आप पर कृपा रहे। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कल की क्विज की। तो यहाँ पर पूछा गया है, भारत में कौन सा राज्य स्कूल छोड़ने का उच्चतम रिकॉर्ड रखता है। हाल ही में हुआ है ये सर्वे और पता चला है नागालैंड सबसे ऊपर है। भारत के 3 राज्यों का नाम दें जहां ईसाई धर्म प्रमुख धर्म है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड तीनों के तीनों जो हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जानकी राम चंद्रन। पहला प्रश्न, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने किसके साथ बाल गंगा मेला आयोजित किया है? तो ये आयोजित किया गया है HCL के साथ। आंसर इसका ए है। HCL फाउंडेशन ने हाथ मिलाए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ और जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी GIZ के साथ, और उन्होंने ये बाल गंगा मेला, बाल मतलब बच्चों का, ठीक है, तो बाल गंगा मेला ऑर्गेनाइज करवाया जो HCL का नोएडा कैंपस है वहां पर। और इसमें जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई गंगा की साफ सफाई के बारे में, गंगा की रिजुवेनेशन के बारे में, जल संरक्षण के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर जो है हमारा ए है। अब यहां पर इससे संबंधित एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये इस समाचार से संबंधित तस्वीर है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, हाल ही में बिहार कैबिनेट ने किस अस्पताल को विश्व के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने का अनुमोदन पारित किया है? तो कहां पर ये किसको डेवलप करेंगे? आंसर है इसका पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को इस तरह से विकसित किया जाएगा। जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, उन्होंने हाल ही में मोहर लगाई कि रीडेवलप करेंगे पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा अस्पताल हो जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा बेड होंगे। तो बेड कितने होंगे? बेड होंगे 5,462 बेड्स होंगे। आज के टाइम में वहाँ पर कितने बेड हैं? आज के टाइम में तो वहाँ पर केवल 1,754 बेड्स हैं, बढ़ाकर इतने ज़्यादा कर दिए जाएंगे। इस पर खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आएगा, करीबन 5,540 करोड़, ये फिगर है, 5,540 करोड़ का इसके ऊपर खर्चा आएगा। और आज के टाइम में करेंटली जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें मैक्सिमम बेड्स हैं वो बेलग्रेड में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर है हमारा पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इससे संबंधित आपको तस्वीर भी दिखाते हैं और न्यूज भी देते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये है पटना चिकित्सा महाविद्यालय। अब आपको मैं मैप में पटना दिखा, मैप में पटना जहाँ की राजधानी है बिहार वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है बिहार, ठीक है। अब बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, गवर्नर हैं यहाँ लालजी टंडन, लेजिस्लेचर बाइकैमरल है यहाँ पर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 सीटें, लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीट्स, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी है, राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें हैं। बिहार वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेट, सबसे पुराने राज्यों में से एक है, ठीक है। और बिहार जो है, बिहार से हमने सन 2000 में एक अलग राज्य बनाया था जिसका नाम है झारखंड। अगर मैं जनसंख्या की बात करूं, पॉपुलेशन की बात करूं, तो बिहार जो है वो थर्ड पोजीशन पर आता है। फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा आता है? यूपी आता है। सेकंड कौन आता है, ये काफी बार आपको बता चुकी हूं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थर्ड पोजीशन पर पॉपुलेशन में आता है बिहार, और फोर्थ पोजीशन पर जो है वहां पर आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। साथ ही साथ एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये भारत का 13वें नंबर पर आता है, वो राज्य है ये। यहाँ पर छठ पूजा यहाँ का एक बहुत ही मेन फेस्टिवल है जो दिवाली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। पटना में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट वाईफाई रेंज है 20 किलोमीटर का। और बिहार के जो प्लेन एरिया है, बिहार का जो वहाँ पर प्लेन्स एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। गंगा, कोसी, गंडक नदी वगैरह यहाँ से बहती हैं, और जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि वो यहाँ पर फ्लड्स लेकर आती थी जिससे काफी तबाही होती थी। क्वेश्चन नंबर 2, ये जानकारी बिहार के बारे में।
अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट कि जो एसएससी सीजीएल पिनाकल कोचिंग है उनका जो बिग दिवाली ऑफर है वो 3 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में सभी प्रोडक्ट्स पर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। हमने भारत का पहला हार्ड ड्राइव कोर्स स्टार्ट किया था क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा वीडियोज हैं कि वो एक पेन ड्राइव में नहीं आ पाते हैं। ये 14,000 का कोर्स अभी इस पीरियड में 7,000 में ऑफर किया जा रहा है और जो एसएससी सीजीएल 2018 और 19 के लिए है वो इस समय 10,000 का कोर्स जो है वो 5,000 में ऑफर किया जा रहा है, जिसमें कि आपके टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 चारों कवर्ड होंगे 2 साल के लिए, 2018 2019 के लिए। किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो यहां पर ये जो नंबर्स दिए हैं इन पर आप फोन कर सकते हैं, मेल डाल सकते हैं इस ईमेल आईडी पर और साथ में इस वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हैं। सिमिलरली फ्रंटियर आईएएस के लिए भी आईएएस, एचसीएस, आरएएस या फिर हरियाणा में जो नायब तहसीलदार का एग्जाम होने वाला है उनके लिए भी स्पेशल फेस्टिव स्कीम में 50% का डिस्काउंट है 3 नवंबर से 8 नवंबर के बीच। उम्मीद है ये वाली जो दिवाली है आपके लिए बहुत सारी अच्छी खबरें लेकर आए। प्रश्न 3, उत्तर पूर्व के निम्नलिखित राज्यों में से वो कौन सा राज्य है जो ड्रग्स के खिलाफ जंग घोषित कर चुका है? क्वेश्चन नंबर 3, आंसर है मणिपुर। मणिपुर वह राज्य है, मणिपुर सरकार ने ये डिक्लेयर किया है कि वो लोगों को ड्रग्स के प्रभाव से बचाएंगे क्योंकि काफी सारे लोग जो है इसके चपेट में आ चुके हैं। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो गोल्डन ट्रायंगल के करीब है साउथ ईस्ट एशिया में, जो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर बहुत सारी भूमि जो म्यांमार के बॉर्डर के आसपास है वहां पर पॉपी कल्टीवेशन होता है, जिस वजह से ये सारी मुहिम छेड़ी गई है। मैप में आपको मणिपुर दिखाती हूं मैं, ये देखिए ये जो छोटा सा राज्य है ये है मणिपुर और ये अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है इधर म्यांमार के साथ। कैपिटल यहाँ पर इम्फाल है, 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फीमेल गवर्नर हैं यहाँ पर नजमा हेब्दुल्ला। चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है 60 सीटों का, राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 2 सीटें और हाईकोर्ट जो है वो मणिपुर हाईकोर्ट है। इसके अलावा और जानकारी मैं मणिपुर के बारे में बताऊंगी, यहाँ पर केम्बुल लामजा नेशनल पार्क है जो इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है दुनिया में। यहां पर लोकटक लेक है जो कि लास्ट नेचुरल हैबिटेट है संगाई हिरन के लिए। संगाई हिरन जो है ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। और यहां पर बिगेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो कि लोकटक लेक है। यहां पर शिरुई नेशनल पार्क भी है। प्रश्न आ सकता है शिरुई नेशनल पार्क कहां है, तो वो लोकेटेड है मणिपुर में। ओके, मणिपुर का जो मणिपुरी डांस है वो क्लासिकल डांस में आता है। यहाँ की जो सबसे बड़ी रिवर है मणिपुर की वो बारक रिवर है और ये ओरिजिनेट होती है मणिपुर हिल्स में। ये थी सारी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। अब हम चलते हैं प्रश्न 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4। मेरे प्यारे प्रधानमंत्री, ये एक मातृ एशियाई फिल्म है जो कि रोम फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई है। कहां पर इसको प्रदर्शित किया गया, तो आंसर है रोम फेस्टिवल। ओके, एक भारतीय फिल्म मेकर है राकेश ओम प्रकाश मेहरा, उन्होंने ये फिल्म बनाई है और ये इकलौती एशियन फिल्म है जिसको कि स्क्रीन किया गया रोम फिल्म फेस्टिवल में। ओके, मैंने हाल ही के एक वीडियो में बताया था कि बीबीसी ने एक लिस्ट जारी की है और उसमें 100 फिल्म्स ऑफ द लास्ट सेंचुरी जो है उनका नाम दिया गया है, उसमें एक भारतीय फिल्म भी है। ठीक है, आप उस फिल्म का मुझे नाम लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में, साथ में ये भी बताइए कि उन टॉप 100 में वो कौन सी पोजीशन पर थी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा जिसमें आंसर है रोम फेस्टिवल में। मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, ये जो फिल्म है 4 बच्चों की फिल्म है ये, जो एक स्लम एरिया में रहते हैं मुंबई में, और उनमें से एक बच्चा जो है वो अपनी मदर के साथ रहता है, सिंगल मदर है उसकी, और वो जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे अपील करता है कि उनकी मां के लिए एक टॉयलेट बनवाया जाए। जो फिल्म है ये ओपन डेफेकेशन के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर हमारा सी है। चलते हैं 5वें प्रश्न पर। यहां पर आपसे पूछा गया है पत्रकारिता में आईपीआई इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट अवार्ड 2018 जर्नलिज्म में ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है नम्रता आहूजा को। नम्रता आहूजा को ये पुरस्कार दिया गया है और नम्रता आहूजा जो है ये द वीक के साथ काम करती हैं, द वीक एक मैगजीन है, उनको ये पुरस्कार दिया गया है एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2018 के लिए। ये सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है विद द वीक मैगजीन और इन्होंने नागालैंड के जो अंडरग्राउंड
अंडरग्राउंड कैंप्स हैं उनके ऊपर एक स्टोरी की थी, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इनको कैश प्राइज दिया गया है 2 लाख रुपए, इनको एक ट्रॉफी वगैरह भी दी गई है। ठीक है, ये जो आईपीआई इंडिया है, इसको इंस्टीट्यूट आईपीआई इंडिया ने ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया था सन 2003 में। आपको मैं अब एक तस्वीर दिखा देती हूँ नम्रता आहूजा की। ये देखो, दिस प्रिटी फेस इज नम्रता आहूजा, द वीक मैगजीन में है ये। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि रिसेंटली जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के ऑनररी अवार्ड्स हुए, वो ये सेरेमनी कहाँ पर हुई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन पुरस्कार 2018 समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसको आयोजित किया गया नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हमारा ए है। हाल ही के एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नई दिल्ली में एक नए ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, उस ब्रिज का नाम क्या है, आप मुझे ये लिखकर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं आगे। When is Ayurveda Day celebrated throughout India? भारत में आयुर्वेदा डे भी मनाया जाता है। इनफैक्ट कहते हैं आयुर्वेद की शुरुआत ही भारत से हुई है। तो ये आयुर्वेद दिवस कब पूरे भारत में मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 5 नवंबर को। 5 नवंबर को मनाया जाता है ये। ऑफ आयुष जो है वो ऑब्जर्व करती है आयुर्वेदा डे एवरी ईयर, और ये मनाया जाता है धनवंतरी जयंती धनतेरस के दिन। ठीक है, तो आंसर है इसका 5 नवंबर। यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूंगी कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे भी होता है एक, और वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, सुनामी तो एक प्रकार की ये समुद्र में तूफान आता है, तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे भी हम मनाते हैं 5 नवंबर को। जो भी अतिरिक्त जानकारी दे रही हूँ आपको सारी मिलेगी PDF में, बस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF का लिंक है वहां से डाउनलोड करें। क्वेश्चन नंबर 7। अगला प्रश्न, ICC, ठीक है, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला 5वां भारतीय कौन है। ओके, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला 5वां भारतीय कौन है, ये है राहुल द्रविड़, जो इंडियन क्रिकेट में जाने जाते हैं द वॉल के नाम से भी। राहुल द्रविड़ बन गए हैं 5th इंडियन टू बी इंडक्टेड इन द ICC हॉल ऑफ फेम। ओके, और इनसे पहले जो और 4 भारतीय क्रिकेटर्स हैं उनके नाम जो इसमें ऑलरेडी हैं ICC हॉल ऑफ फेम में, वो है सुनील गावस्कर, उसके बाद भीषण सिंह बेदी, कपिल देव और अनिल कुंबले। सुनील गावस्कर 2009 में, भीषण सिंह बेदी 2009 में, कपिल देव 2010 में और अनिल कुंबले को इंक्लूड किया गया था 2015 में। तस्वीर दिखाती हूँ आपकी, ये देखिए राहुल द्रविड़ जी हैं सुनील गावस्कर के साथ। प्रश्न नौ में पूछा गया है कि भारत और जापान ने किस राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 1,817 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी किस राज्य में होने वाले हैं ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स। आंसर है इसका वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर इज वेस्ट बंगाल। तो जापान का और भारत का एक ये समझौता हुआ, एक लोन अग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे वेस्ट बंगाल में। अंतिम प्रश्न में कहा गया है कि भारत और किस अन्य देश ने पर्यटन और खेल के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने ये हस्ताक्षर किए हैं साउथ कोरिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर जो है हमारा वो है साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया के साथ ये हस्ताक्षर किए गए हैं। ओके, टूरिज्म के क्षेत्र में भी और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी। इसमें हम जो स्पोर्ट्स का क्षेत्र है उसमें कोचेज, एथलीट्स, एक्सपर्ट्स वगैरह जो है उनका एक्सचेंज होगा, साइंटिफिक और मेथोडोलॉजिकल मटेरियल वगैरह का एक्सचेंज होगा। तो हमने ये हस्ताक्षर किए साउथ कोरिया के साथ। मैप में आपको दिखाती हूं मैं साउथ कोरिया। अगर आप यहां पर देखें, इसको हम बोलते हैं कोरियन पेनिनसुला। ठीक है, अब पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला जो होता है कैसा पीस ऑफ लैंड है जो 3 तरफ से पानी से घिरा है। इधर येलो सी है, इधर सी ऑफ जापान है, यहां पे भी पानी है, तो ये कोरियन पेनिनसुला है। ऊपर का जो पोर्शन है नॉर्थ में, उत्तर में, तो उसको हम नॉर्थ कोरिया बोलते हैं, नीचे वाले पोर्शन को साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और साउथ कोरिया की सियोल है। ठीक है, अब साउथ कोरिया जो है इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी सियोल है। सियोल में एक बार एशियन गेम्स भी ऑर्गेनाइज हुए हैं। यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कोरियन है। यूनिटरी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। प्रेसिडेंट है मून जे इन। मुझे उम्मीद है आपको प्रेसिडेंट साहब का नाम याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर है ली नैक योन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनका बहुत अच्छा है, 2017 के अनुसार ये 22
22वीं पोजीशन पर थे और करेंसी है यहाँ पर साउथ कोरियन वन। ओके, तो ये थी जानकारी अंतिम प्रश्न के बारे में। आज मैं वीडियो पर अब आगे आपको स्टैटिक जीके के पोर्शन पर ले जाने से पहले एक मैसेज देना चाहूंगी। दिवाली का दिन है भाई, हर किसी के घर में दिवाली मने, ये बहुत अच्छा सा मुझे किसी ने भेजा, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपसे गुजारिश है कि जो सड़कों पर चद्दर बिछाकर ऐसे साइड में बैठकर दिए वगैरह बेचते हैं, उनसे ज़रूर कुछ खरीदें आप, बल्कि उन्हीं से खरीदें। बनाकर दिए मिट्टी के, जरा सी आस पाली है, मेरी मेहनत खरीदो लोगों, मेरे घर भी दिवाली है। समटाइम्स दीज थिंग्स कैन बी सो इंस्पायरिंग। अब मैं आ गई हूँ एडिशनल जीके पर, ठीक है। तो एडिशनल जीके पर आज मैं आपसे बात करूंगी निकनेम्स के बारे में, ठीक है। निकनेम्स क्या होते हैं? उपनाम जो दे दिए गए, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम गुरुदेव कहते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को महामाना, खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान, और खान अब्दुल गफार खान जो हैं ये प्रथम फॉरेनर हैं जिनको भारत रत्न मिला। वल्लभ भाई पटेल को हम लोह पुरुष कहते हैं, और एक और वीडियो में जब मैंने वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में कहा था, इनको मैंने काफ़ी सारे नाम बताए थे, इनकी एक जर्मन पॉलिटिशियन से भी तुलना की जाती है, वो कौन सा उपनाम है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, लाला लाजपत राय को लायन ऑफ पंजाब या पंजाब केसरी, चितरंजन दास को देशबंधु, सी एफ एंड्रूज दीन बंधु, सुभाष चंद्र बोस नेताजी, सी राजगोपालाचारी राजाजी या सी आर, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और सी एन अन्ना दुराय को हम अन्ना के नाम से जानते हैं। आ गए हैं क्विज फॉर द डे पर। मेरे प्यारे प्रधानमंत्री एकमात्र एशियाई फिल्म है जो कहाँ प्रदर्शित की गई, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, और गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है। आप इन तीनों के जो आंसर्स हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। बीच बीच में जो मैं पूछती हूँ उसका भी आंसर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में लिखो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो बढ़िया लगा लाइक ज़रूर करें, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अंत में एक बार फिर विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। हो सकता है आज के वीडियो में पीछे कुछ थोड़ा बैकग्राउंड शोर रहा हो, क्योंकि मैंने काफ़ी वेट किया कि थोड़ा लेट नाइट में वीडियो बनाया जाए, लेकिन अब इस लेट नाइट में बना रही हूँ, फिर भी पीछे थोड़ा बैकग्राउंड साउंड था। काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर दैट, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। विश यू ऑल अ हैप्पी दिवाली। बाय बाय।